लेकिन क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका वाली जो कर्ज है कि वो लोग जीतते नहीं हैं सेमीफाइनल्स में, इस दफ़ा ख़त्म हो पाएगी? क्योंकि इतना दो, जैसे आप कहते हैं कि अफगानिस्तान में भी प्रेशर होगा इस दफ़ा, पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं आपकी फ़ैन्स की, फिर इस तरह से सीनियर लीडर्स का आपको कॉल आना, उनका आपको अप्रिशिएट करना। नहीं नहीं, डेफिनेटली अब लोगों की अब है ना तवक्कुआत हुई है अफगान टीम के साथ, क्योंकि जी अब ये कर सकते हैं, सारी चीज़ें करेंगे, तो अब प्रेशर आया है इन पर, तो अब देखेंगे ये किस तरह क्रिकेट खेलते हैं। और ये ऐसा ऐसा ना प्रेशर बढ़ना है, जिस टाइम आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना, जिस टाइम लोग तवक्को करते हैं, क्योंकि जिस टाइम आप हारोगे लोग तवक्को करेंगे कि आप जीतोगे, और आप हारोगे फिर जो लोग बुरा भला कहेंगे, उसके बाद फिर परफॉर्म करना ना एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो अभी तो यही थी ना कि जिस टाइम जीत जाते तो अप्रिसिएशन मिलती थी, हार गए तो कोई बात नहीं। अब ये वाली टीम अभी तक इस स्टेज पे थी, आप हार भी जाते थे ना तो आप कहते थे कि जी चलो जी बड़ा अच्छा खेला, बड़ा फाइट कीजिए, अफगानिस्तान अच्छा खेलें। अब ये उस दौड़ से बाहर हुए हैं, तो इनको अब है ना थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। और जिस तरह साउथ अफ्रीका अगर अफगानिस्तान उसका यूएसए का मैच हुआ था, उस दिन थोड़ा सा क्लोज हुआ था, यूएसए हार गया था, हमने कहा नहीं नहीं यूएसए को अप्रिशिएट करो, बड़ा अच्छा खेला, क्योंकि हार गया लेकिन लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। तो इनके साथ भी अभी वही सूरत हाल थी, अब ज़रा सूरत हाल चेंज होगी तो फिर इन पर प्रेशर आएगा, तो फिर इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका का ताल्लुक है, साउथ अफ्रीका को भी मेरे ख्याल में उनके लिए भी ऐसी अपोजिशन नहीं होगी कि वो अपना जिस चीज़ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि जी सेमीफाइनल से आगे नहीं जाते आज तक, एक जैसी टीम्स जो है ना वो आई हैं सेमीफाइनल्स में। हमने साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी सीनियर है, बट हमेशा जब भी सेमीफाइनल्स तक पहुँचते हैं तो वो जो इतना अच्छा करते हुए चला जाता है ना, तो वो भूल जाते हैं सेमीफाइनल में, जब नॉकआउट आता है तो भूल जाते हैं। बट यहाँ पे उनकी ऑपोजिशन जो है, क्योंकि पहली दफ़ा है सेमीफाइनल में, तो दोनों टीम्स पे मुझे लगता है कि एक जैसा प्रेशर होगा। देखिए मेरा ख्याल है इस तरह फर्स्ट टाइम हुआ है कि शायद साउथ अफ्रीका को थोड़ी सी वीक मुश्किल हुई है। नहीं नहीं, वीक वीक टीम मिलेगी मेरे अपने ख्याल से। अच्छा ठीक है, आपको इसलिए कि अफगानिस्तान देखे, जैसे इंजी ने कहा ना कि जब आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, ठीक है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो फिर आप पे प्रेशर का पता चलता है। तो वो आपके पिछले मैच में देख लिया है कि उन्होंने क्वालिफाई करना था तो उनसे 115 बड़ी मुश्किल से हुआ, और फिर वो टैक्टिक्स भी स्लो डाउन करने वाली, वो तो खैर चले वो गिर गए गुलबुद्दीन नायब, मतलब एक दो रन ही चाहिए थे, अगर बारिश ना रुकती तो बांग्लादेश मैच जीत जाता। मगर मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि उनके उन पे जब प्रेशर पड़ा है तो आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। जी जी जी, मतलब बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी वो 115 सिर्फ रन कर सके। अब इसमें दो सिनेरियो हैं, साउथ अफ्रीका जो है वो अंडर प्रेशर सेमीफाइनल में आगे बहुत ज़्यादा खेल दिया, और दूसरी टीम पहली दफ़ा सेमीफाइनल क्वालिफाई की है, तो ये अब देखना है कि सब इसमें बुरा कौन सा खेलती है। तो मेरे ख्याल मुझे चांस ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो अफगानिस्तान पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम क्वालिफाई की है सेमीफाइनल के लिए, और साउथ अफ्रीका ऑलरेडी एक दो दफ़ा सेमीफाइनल में आ चुकी है, और फिर थोड़ा सा उनको ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, इंडिया के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद थोड़ा सा एज हो साउथ अफ्रीका को, मगर डरी वो भी होगी क्योंकि वो सेमीफाइनल से आज तक आगे नहीं गई, तो हाथ पांव उनके भी फूले होंगे, हाथ पांव इनके भी फूले दोनों के होंगे। अच्छा हम अपने तो हम बता रहे हैं कि आप हम लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सी टीम पे ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन जो अफगानिस्तान के कोच हैं जिनका पिछले मैच में भी बड़ा रोल था, इशारा उन्होंने किया कि स्लो डाउन हो जाएं, और वो बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनका कहना है कि प्रेशर साउथ अफ्रीका पे ज़्यादा है, उनको लग रहा है कि हमारी टीम पे इतना प्रेशर नहीं है, साउथ अफ्रीका पे ज़्यादा है। अच्छा, उनका कहने का मतलब ये है कि जी फेवरेट्स है ना, हाँ साउथ अफ्रीकन्स है, तो जिसपे जो फेवरेट्स होगा ना जी, तो प्रेशर उन पे होगा। ओके ओके, एक उनकी बात का ये मतलब भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि जी वो उन्हें कह रहे हो कि ये कभी सेमीफाइनल से आगे नहीं गए, तो वैसे तो साउथ अफ्रीका ये भी अफगानिस्तान भी नहीं गया, वो तो फाइनल सेमीफाइनल में पहली दफा पहुंचे हैं। दूसरा ये मुझे फुटबॉल की टीम लगी उस दिन, पहली दफ़ा मैंने देखा कि कोच, आज तक आपने नहीं देखा होगा इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस कम ही है। हमारे यहाँ भी एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था कि कोच बाहर से इशारे करते थे, मिकी आर्थर करते होते थे, मिकी आर्थर बहुत नहीं, 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 मिकी आर्थर की मैं बात कर
नहीं कोई और भी थे तो बता दो, पुराने भी हो मुझे ना पता हो। इसी तरह ये बाहर से इशारे कर रहे थे उनको स्लो डाउन हो जाओ, मतलब वो मेरे ख्याल इंजी ने जो उस दिन बात की ना, थोड़ा सा उसको मेरे ख्याल मेंटल इशू भी है, वो जो बीच में क्रिकेट भी छोड़ के चला गया था। तो ये इस किस्म की हरकतें जो है ना बाहर कोच को ये नहीं करनी चाहिए, आप खुद क्रिकेट खेले हुए ये नेगेटिव शो करता है कि आप नेगेटिव दिखा रहे हो। हालांकि उसके बाद अगर आप देखें तो राशिद ने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया था कि यार ये आप नहीं करना चाहिए था, वो कि बेशक उसने दिखाने के लिए किया हो मगर इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए ये। अच्छा वो गुलबदीन ने भी कुछ ज़्यादा ही कर दिया ना, मतलब ठीक है कुछ थोड़ा सा वो गिर ही गए बस, वो खड़े खड़े गिर गए। वो असल में देखें टीवी पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लोग देखते हैं, अब लोगों की उसने भी एक्टिंग सीख ली है लगता है, और वो आज तक ये समझ नहीं, खड़े खड़े हैमस्ट्रिंग पुल हो गए, उन्होंने ओवर एक्टिंग सीख ली है। सिर्फ एक्टिंग सीखी होती तो गुजारा होता। अब कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि ये ग्रैमी दें या इनको ऑस्कर दें, मतलब कुछ ज़्यादा ही कर दिया। नहीं उसने मेक श्योर किया कि जब बाहर जा रहा था ना तो उसको उठा के लेके जाएं, तो जैसे ही वो रस्से से बाहर गया तो ठीक हो गया था। पूरी नहीं सीखी अभी। रस्से के बाहर भी दिखाना चाहिए था। और फिर जब टीम भागी, टीम जीत गई तो भागते हुए हमने देखा वो आ रहे स्प्रिंट कर रहे हैं। वो असल में उसको स्ट्रेचिंग वगैरह करवाई ना उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि यार हम उस चीज़ से निकल गए हैं अब तुम ठीक हो जा, तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। हालांकि ऐसे मौके पर मेरा ख्याल है जी कि जो बंदा जानबूझ के, अब अंपायरों को भी नज़र आया कि इसने क्या हरकत किया कि बारिश का इंतज़ार कर रहा है, ये मैच रेफरी को इस पर सीरियसली नोटिस करना चाहिए कि ये क्या किया इसने। देखें हार जीत गेम का हिस्सा है जी, हर कोई करता है डिले टैक्टिक्स, हर बंदा करता है, पर इस तरह का नहीं करता। ये बहुत ऑब्वियस है ना इंजी भाई, ये तो बहुत ऑब्वियस है, आप करें थोड़ा ढके छुपे तरीके से कर लें। असल में करते हैं लोग ये वाली चीजें। अच्छा ये बॉलर करता तो ज्यादा बेहतर होता कि वो पकड़ लेते, पकड़े जाए तो फिर सजा है इसकी। तो ये तो साफ नजर आ रहा है, पता चल गया। और ये अब देखो यहाँ आज इधर बात हो रही है, सारी दुनिया में इस चीज़ की बात हुई है कि जी ये क्या है, ये अच्छा जस्टर नहीं था। आप अपनी विक्ट्रीज को ना इस तरह की चीज़ों से ना ख़राब कर लेते हैं, दागदार कर लेते हैं, क्योंकि जो आपकी आपने अगर सेमीफाइनल खेलना था तो आपने खेलना था, आपने इस चीज़ से ना अपने सेमीफाइनल खेलने को ना ख़राब कर लिया जी। इस तरह की चीज़ें और ये जो मैचेज है ना कि आज लग रहा है कि जी सेमीफाइनल आखिरी चीज़ है, अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आ जाएगी, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर ये ज़िंदगी में चलते रहेंगे। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे ना तो फिर आपकी रिप्यूट है ना ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें ना सूट नहीं करती। और ये बिल्कुल सलीम भाई ने सही कहा कि ये रेफरी को और अंपायर्स को इस चीज़ का ज़रा अगर जो चीज़ पकड़ी जाए तो उस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और सीरियस नोटिस लेना चाहिए, ताकि ये वाली चीज़ अगर नहीं रोकेंगे ना। एन जी ये रोकेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ये रन आउट आप देखो कि एक दो इंडियन वुमन क्रिकेट में भी रन आउट किया गया था बॉलिंग करते हुए, और भी कुछ प्लेयर्स ने किया था, और वही चीज़ हमारे खिलाफ सेमीफाइनल में लाहौर में उसने वॉल्श ने रन आउट नहीं किया था कादर भाई को और मैच हार गए थे। आज तक लोग उनके मैच हार गए थे सेमीफाइनल अप्रिशिएट करते हैं उसको कि यार इसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई थी, इसने रन आउट किया। और अभी इंडियन के और लड़कियों की टीम ने भी और इनकी सीनियर टीम ने भी किया था उसके बाद, उससे पहले भी कपिल देव ने भी किया था। इंडियंस का नहीं है इसमें,